हेलो गाइस। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को थैंक्स, इतने सारे लोगों ने जो कमेंट किए मेरे पास कि भाई आप एसी टेक्नीशियन के बारे में कुछ बताओ कि अगर रेलवे में आ जाए एसी टेक्नीशियन का हमको काम करना हो अभी के टाइम पे तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, इस पे कौन कौन से रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इसका आईटीआई से कोर्स किया हुआ है जो कि बेसिकली 2 ईयर का कोर्स होता है, और कई लोगों ने डिप्लोमा कोर्स, कुछ लोग ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट कर रखे हैं। पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर हमको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हमने लिया हुआ है एसी टेक्नीशियन में फिर हमको कितनी सैलरी मिल जाती। मैंने एक वीडियो में बेसिकली बताया भी था कि एसी टेक्नीशियन की डिमांड इंडियन रेलवे में काफी अच्छी है और सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है, तो लोगों ने उसी उसी वीडियो पे काफी कमेंट किए थे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चीजें बताया था, कितने आपको सैलरी मिल जाती है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी और कैसे आप एज ए इंडियन रेलवे ज्वाइन कर सकते हो एज ए एसी टेक्नीशियन। ठीक है, तो पहले सुन लो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, अगर आपने बेसिकली अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर लेना। ठीक है, देखो गाइस एसी एक्सपीरियंस पे आपको ही बेनिफिट होगा, सैलरी तो अच्छी मिलती है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सैलरी के ऊपर। ठीक है, अलग अलग लेवल पे ज्वाइनिंग होती है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है बेसिकली आरआरबी द्वारा कंडक्ट होता है, कई सारे अलग अलग वैकेंसीज निकलते रहते हैं, ग्रुप डी हुआ और भी ग्रुप सी के फॉर्म्स निकलते रहते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और हम सबसे इंपॉर्टेंट था सैलरी, लोग पूछ रहे थे कि सैलरी हमको कितनी मिल जाती है। देखो एसी टेक्नीशियन अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी स्टार्टिंग में कहीं काम नहीं किया हुआ है, तो आपको स्टार्टिंग में आ जाए रेलवे में, इंडियन रेलवे में प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो, बट मोटली मोस्टली लोग प्राइवेट सेक्टर में ही करते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 18,000 से रुपये से लेकर के लगभग 45,000 तक मिल जाते हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सॉरी तो आपको उतनी अच्छी सैलरी मिलती है। कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं एक्सपीरियंस, सेकंड आपका कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन कॉपी है, इन सबकी चीज़ें जरूरत पड़ती है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आप एबव 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये सी छोटी वीडियो, अगर डाउट हो तो कमेंट करो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।